मैं दुनिया के सबसे अमीर देश के अंदर हूँ। इस जगह की सबसे पुरानी मस्जिद है और इस तरफ ये मीनार पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी लगी हुई है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये सवाल मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा, मैसेज में भी, कॉल पे भी पूछते रहते हैं कि क्या कतर के अंदर भी गरीब लोग होते हैं, गांव होते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जो कि कतर का गाँव है। मतलब अब से पहले जो है ना, यहाँ पर मछुआरे रहा करते थे, लेकिन अभी भी इसको जो है ना ऐसे ही गवर्नमेंट ने मेंटेन करके रखा है। और ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से लोग यहाँ रहते थे, कैसे जो कैमल राइडिंग होती थी, वो सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के और चलते हैं। अभी कैमल राइडिंग, यहाँ पे लोग राइड कर रहे हैं कैमल की, मतलब जिस तरीके से पुराने ज़माने में होती थी, लोग जो भी तिजारती आते थे या काम के लिए जाते थे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता था। और ये देखो भाई, हॉर्स राइडिंग, सॉरी कैमल राइडिंग। मेरे पीछे समुद्र है, समुद्र के, क्योंकि मछुआरे रहते थे तो जाहिर सी बात है समुद्र के पास में ही रहते थे मच्छी पकड़ने के लिए। तो ये पीछे समुद्र है, यहाँ पे बीच बना हुआ है, ये फैमिली बीच है एक किस्म का है। और अब बारी है भाई एक एक करके सभी जगह जाने की। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी गलियाँ, उसके बाद देखेंगे वो मीनार थे मॉस्क्यू, और फिर देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे आ गए हैं हम एक छोटी सी पतली सी गली में, बिल्कुल गांव जैसी। इस तरफ यहाँ पे ये मस्जिद भी है। ये वुमेन्स एसेसरीज एंड परफ्यूम्स, हमारा कोई काम नहीं है। अभी यहाँ पे शॉप्स वॉप्स बना रखी है, रेस्टोरेंट है, होटल्स है, जैसे एक शॉप ये बनी हुई है यहाँ पे। और ये देखो, ये उसकी कार है, क्या कहते हैं उसे, गोल्फ वाली। और एक मस्जिद पीछे भी दिख रही है वो। और यहाँ पे इस तरफ एक छोटी सी गली है, उधर चल के देखते हैं क्या है। इस तरफ से मुझे दिख रही थी वो छोटी सी गली, ये देखो भाई। इस तरीके से ये कुछ गांव हुआ करता था पुराने टाइम में, ये बिल्कुल ऐसे ही तोड़ मरोड़ के रास्ते रख रखे हैं जैसे गांव में होते ही हैं। ये कुछ लोगों के घर रह होंगे, काम करने की जगह होगी, शॉप्स होंगी। ये देखो भाई,
इस तरीके से है ये कुछ यहाँ पे। काफ़ी प्यारी लग रही है जगह, इतनी भी बेकार नहीं है। और यहाँ पे सब बोर्ड जो ये साइन बोर्ड है सब लकड़ी के लगा रखे हैं, जैसे सी साइड, कार पार्किंग, फीमेल टॉयलेट, एटीएम, ये सब प्लाईवुड और लकड़ी के लगा रखे हैं। काफ़ी प्यारा लग रहा है, बहुत ही कमाल का लग रहा है, मतलब बिल्कुल गांव की याद आ गई है देख के भी। मुझे तो काफ़ी पर्सनली काफ़ी प्यारा लग रहा है ये देखने के बाद। हालांकि गर्मी भी लग रही है यहाँ पे चलते हुए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और धीरे धीरे शाम भी होने वाली है, सूरज भी ढल रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देखने में यहाँ, और ओवरऑल काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। पूरा का पूरा गांव जैसा है और अभी तक भी ऐसे कैसे रखा हुआ है सारी बिल्डिंग्स, हालांकि अभी के हिसाब से बनी हुई है, कोई मिट्टी की नहीं है। और उधर मेन हाईवे है उस तरफ, और ये पूरी शॉपिंग वाली जगह है। और यहाँ पे ये वीमेंस के कपड़ों की भी दुकान है भाई, वीमेंस के कपड़ों की दुकान है ये यहाँ पे। और ये वूमेंस एसेसरीज एंड परफ्यूम ये उसकी है। इस तरफ मस्जिद है। कुछ भी कहो, कतर ने काफ़ी पैसा लगा के काफ़ी मेहनत से इसको अपने ट्रेडिशनल हाउसेस या गांव कह लो या जो भी कुछ है अपना कल्चर बाकायदा बचाया हुआ है। इन लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा है कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि क्या नाम, पैसे वालों का तो जो है ना गरीबी भी दिखाना भी फैशन हो जाता है, गरीब का तो बेचारे का गरीबी है ही, लेकिन फिर भी इनका थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा ही है कि ये लोग अपनी पुराने कल्चर को नहीं भूले, आज तक पुराने वक्त को नहीं भूले। हम लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट अलग होता है कि ये थोड़े से पैसे आ जाए हमारे लोग सोचने लग दें कि कोई हमें गरीब ना समझने लगे, हमें गरीब ना बोलना शुरू कर दे। लेकिन यहाँ ये लोग जो है ना वो सब चीज़ें इन्होंने बाकायदा अभी भी बचा के रखी है, संभाल के रखी है कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक आए, कैसे कैसे बना के लेके आए हम, और मतलब हमारे पूर्वज हमारे बुज़ुर्ग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हमें पाला, वो सब चीज़ें। इस तरफ भी मस्जिद है, वहाँ से यहाँ तक तीन चार मस्जिद दिख गई मुझे आते आते। ये वुमेन्स की मस्जिद है इस तरफ। ऐसे उम्मीद भी नहीं की थी कि इतनी खूबसूरत जगह होगी, इतनी कमाल की जगह होगी, देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है।
क्योंकि क्या है ना, अभी ऐसा नहीं है कि आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है तो टूरिस्ट ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन सर्दियों में यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। अभी और भी बचा है, अभी आगे चलूँगा मैं, और एक अबू मीनार ते मस्जिद है जो कि यहाँ की अल वखरा की सब ओल्डेस्ट मस्जिद है, तो उसमें भी चलूँगा मैं इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या प्लान है। मैं उधर जाने की सोच भी रहा था, लेकिन मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया, और फैमिली भी पीछे तो ऐसे जा नहीं सकते, उसने मुझे मना कर दिया कि उधर मत जाना। तो फिर मैं रुक गया, मैंने कहा चलो भाई नहीं जाएंगे। और बताओ, और ये देखो भाई, एक ये यहाँ पे पोर्ट्स, ये खाली खेलने के लिए बच्चों के, ऐसे चलती नहीं है, ऐसे ही उस तरफ भी है, दूर तक चार पांच रखी है, इस तरफ भी और इस तरफ भी है सेम। दरअसल अब से 60 साल या 70 साल पीछे जाए तो तब कतर का जो है ना, दो तीन चीज़ों पे गुजारा होता था। नंबर एक तो ये बोट फिशिंग, और तीसरा जो है ना, एक वो पर्ल होता है, एक मोती मिलता है यहाँ के समुद्र में, तो उस पर, इन तीन चार चीज़ों पे ये नेचुरल रिसोर्सेज थे एक किस्म की कतर की। ये कतर की हॉस्पिटलिटी की एक पहचान है, इस तरीके की बेंचेस जो है ना यहाँ पे सूक वाकिफ में या मजलिस में ऐसे देखने को मिलेगी। इवन जो है ना मस्जिदों में भी जो है ना यहाँ पे इस तरीके के सोफे रखे रहते हैं। ये भी एक कतर की पहचान है कि कतर काफ़ी मेहमान नवाज है। मेरे सामने एक और गली आ गई है, ये मुझे बिल्कुल जो है ना क्या कहते हैं, कतारा कल्चरल विलेज की जैसी दिख रही है, लेकिन मैंने सोचा चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं अंदर चल के इसमें क्या है, जो कि ठीक मेरे इस तरफ सामने है। यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा सनसेट का भी टाइम होने वाला है, एक राउंड लगा कहते हैं तब तक सनसेट भी हो जाएगा। और ये बिल्कुल जो है ना कतारा कल्चरल विलेज में भी ऐसी ही लगी हुई है इस तरीके से। थोड़ा पीछे से देख लेंगे एक बार जाके अगर छुआ, ये टॉयलेट्स भी बिल्कुल ऐसे ही है भाई। थैंक यू। और ये हमारे भाई ने हमें जो है ना के लिए दिया है ऊद अल सुल्तान, ये इनकी शॉप है यहाँ पे। तो हालांकि इसकी खुशबू इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन उसने पकड़ाया तो मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो इसका दिल रखने के लिए ले ही लेते हैं। और ये जा रहा है शायद भाई एयरफोर्स का जहाज। फाइनली मैं पहुंच जगह हूँ उस जगह जहाँ पे जो है ना अल वखरा की सबसे पुरानी मस्जिद है, ओल्डेस्ट मॉस्क है इस जगह की। तो मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, पीछे तीन चार मस्जिदें देखी लेकिन वो सब अभी की बनी हुई है, लेकिन जो सबसे पुरानी थी मैं उसी को ढूंढ रहा था। और ये है वो मस्जिद अबू मीनार ते मॉस्क, ये इस जगह की सबसे पुरानी मस्जिद है, और इसको अबू मीनार ते मॉस्क कहा जाता है। मीनार ते का मतलब होता है कि दो मीनार, लेकिन इसकी एक ही मीनार है और ये इसी से मशहूर है अबू मीनार ते। हालांकि ये मस्जिद बंद है, यूज़ में नहीं है, वो क्या है ना क्या कहते हैं पुरानी है और सेफ्टी रीजंस की वजह से शायद बंद कर दी गई, लेकिन वो एक हेरिटेज साइट की तरह इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बचा के रखी हुई है।
थोड़ा सा घूम फिरने के बाद समझ में आया कि इसको तो ऐसे ही हेरिटेज साइट की तरह प्रिजर्व करके रख दिया गया, छोड़ दिया गया है, किसको मस्जिद की तरह यूज़ नहीं करेंगे सेफ्टी रीजंस की वजह से। लेकिन इस तरफ जो है ना दूसरी मस्जिद बना दी गई बड़ी, ये वहाँ तक दूर तक जो है ना मस्जिद की बिल्डिंग है पूरी, इसमें नमाज़ पढ़ते हैं लोग, ये पूरी मस्जिद है। और इसको जो है ना ऐसे ही छोड़ दिया गया सेफ्टी रीजंस की वजह से, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो उस वजह से इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। धीरे धीरे शाम भी हो रही है, मैं सोच रहा हूँ अंधेरा होने से पहले इसको अच्छे से देख लिया जाए, फिर बाद में थोड़ा बहुत अंधेरे में रात में कैसा दिखता है तो वो भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह। अभी सनसेट भी होने वाला है, मैंने कहा सनसेट होने से पहले जितना हो सके रोशनी में देख लिया जाए इसको। एक गली और है ये, इसमें चलते हैं। और ये सीटें सब जगह इस तरीके की सीटें बनी हुई आपको मिल जाएंगी। और ये इसके अलावा ये टेम्परेरी भी रखी हुई है, ये टेम्परेरी जगह जगह बैठने के लिए। इस वाली में चलते हैं, इस तरफ इस वाली गली में चलते हैं अभी। ये बर्ड्स मार्केट है, इस तरफ भी पूरी ऐसी है ये बर्ड्स मार्केट, तोते खरीदो अपने। और यहाँ पे भी भाई एक मस्जिद है, ये भी काफी पुरानी लग रही है। मुझे इस जगह की सबसे प्यारी चीज़ पता है ये लग रही है, ये छोटी छोटी गलियाँ, बिल्कुल मतलब गांव जैसा फील आ रहा है। और देखने में इतनी प्यारी लग रही है क्योंकि साफ़ है, बिल्कुल कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी बना रखी है बिल्कुल। ये देखो भाई इस तरीके से, ये कुछ इस तरफ की भी देख लेते हैं थोड़ा सा चल के आगे और क्या हो रहा है इस तरफ। देखो भाई ये हॉक्स मार्केट है भाई, इसमें मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। ये देखो भाई कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं, ये देखो कितनी छोटी छोटी, मतलब कितने अच्छे लग रहा है देखने में भी। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है पर्सनली देखने में, छोटी छोटी गलियाँ छोटी, ये देखो कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं। ये मतलब जो है ना, अगर मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत गांव है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। हालांकि इन्होंने अच्छा खासा पैसा लगा के खर्च करके इसको बाकायदा संभाल के रखा हुआ है। वैसे तो कतर जो है ना दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, मतलब इन गलियों को देख के लगता नहीं है कि मैं दुनिया के सबसे अमीर देश के अंदर हूँ, लेकिन फिर भी एक पहचान है इन लोगों की, इन्होंने इसको संभाल के रखा हुआ है। ये इस तरफ सब रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और ये है इस गांव की सबसे आखिरी मस्जिद। 6-7 मस्जिदें इतने से छोटे से गाँव में, छोटा सा नहीं है काफ़ी बड़ा है वैसे ये देखने में, मतलब कहने में इतना छोटा सा लग रहा है लेकिन है नहीं, काफ़ी बड़ा है ये।
और जिसमें इतनी सारी मस्जिद है वो सोच लो कितना बड़ा होगा। 5-6 मस्जिद है छोटी छोटी और एक दो बड़ी बड़ी भी हैं, और एक इस तरफ भी है ये। इसमें चलते हैं अभी अंदर भी इंशाल्लाह, देखते हैं अंदर से भी चल के इसको। हाँ, और ये मैं सोफे आपको बोल रहा था कि ये मस्जिदों के अंदर भी रखे रहते हैं इस तरह के, तो ये यहाँ पे भी रख रखे हैं इन्होंने बैठने के लिए। और इस तरफ ये मीनार पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी लगी हुई है। सो लेट्स सी, चलते हैं मीनार के ऊपर, ऊपर से जाके देखते हैं कैसा दिख रहा है ऊपर से जाने के बाद। हालांकि ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ तक भी जाएंगे हम चले जाते हैं, देख लेते हैं ऊपर थोड़ा सा चढ़ के। और ये है मीनार भाई, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये यहाँ से समुद्र, इस तरफ समुद्र है। और मैं मीनार के अंदर खड़ा हूँ यहाँ पे, और क्या टाइमिंग है भाई, क्या खूबसूरत टाइमिंग है मेरी यहाँ आने की। सनसेट हो रहा है और काफ़ी प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है सूरज डूबते हुए और वो मस्जिद के ऊपर। दिल तो कर रहा है थोड़ी देर बस यहीं खड़ा रहूं, क्योंकि यहाँ पे हवा भी काफ़ी प्यारी लग रही है और देखने में नज़ारे भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इस तरफ जो है ना समुद्र है, बीच है, कुछ फैमिलीज़ भी आई हुई है, और यहाँ से पूरा पूरा जो अलवखरा पुराने ज़माने में गांव रहा होगा वो पूरा दिख रहा है। इस तरफ हो रहा है सनसेट, अभी चलते हैं नीचे यहाँ से। एक राउंड थोड़ा बाहर को देख लेते हैं लगा के। ओवरऑल बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन ये जो भी गांव है ये ऐसी जगह बसा हुआ है कि यहाँ पे सनराइजिंग का तो मज़ा लिया जा सकता है लेकिन सनसेट का नहीं, क्योंकि ये कतर की साउथ साइड में है, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे क्या नाम, हम सनसेट का मज़ा नहीं ले सकते क्योंकि सनसेट उस तरफ हो रहा है, समुद्र हमारे पीछे। अगर सनसेट इस तरफ होता तो क्या ही मज़ा आता, क्योंकि क्या होता है ना, समुद्र हो सनसेट या सनराइजिंग हो रहे हो तो उसका मज़ा ही अलग है। मैंने उस तरफ से शुरू किया था बिल्कुल कॉर्नर से, और फिर वहाँ से होते हुए मैं इधर को पीछे पूरा गांव दिखाते हुए आपको आया इधर। काफ़ी देर हो चुके हैं यहाँ आए हुए, लगभग मुझे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, और मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको दिखा दी है। ये दरअसल जो है ना कतर का एक गांव हुआ करता था पुराने ज़माने में, वकरा, जो मछुआरों का एक किस्म से गांव था। ये यहाँ पे लोग मच्छी उच्छी पकड़ते थे, और अंदर से काफ़ी प्यारा है, काफ़ी कुछ देखने को मिला मुझे। इतनी उम्मीद नहीं थी इतनी सब चीज़ें यहाँ पर होगी, लेकिन देखने के बाद काफ़ी प्यारा लगा। और अगर आप जो है ना ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट जगह होगी। उसके अलावा अगर आप फूडी हो, खाने के शौकीन हो, तो यहाँ पे जाना, आपको सी फूड मिल जाएगा। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं जिन पे आप सी फूड ट्राई कर सकते हो। और यहाँ आने के लिए बता दूँ कि यहाँ आने के लिए आप मेट्रो से आ सकते हैं, अपनी कैब से आ सकते हैं। मेट्रो के लिए रेड लाइन पर अलवखरा लास्ट मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप मेट्रो लिंक बस पकड़ के यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।